चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर इस पेज में सबसे पहले तो ये है एक लाइन, द सेल इज अ लैटिन वर्ड फ्रॉम ए लिटिल रूम, इसको देख लेते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं ऐसा। उसके बाद फिर यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स में डेट दिया हुआ है कि डेड सेल लिविंग सेल कब कौन डिस्कवर किया और कब डिस्कवर हुआ ये देख लेना है। 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ बाई रॉबर्ट ब्राउन। उसके फिर जेई प्रोपोजल डिस्कवर किए थे 1839 में प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, इसको देख लेना है। सेल थ्योरी ये तो नहीं आएगा। उसके फिर द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सप्लेन, यहाँ पे पूछ सकता है फर्दर हु एक्सप्लेन सेल थ्योरी, तो यहाँ पे विरकाउ 1855 में। उसका भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब डिस्कवर हुआ, तो 1914 में हुआ। उसके बाद फिर यहाँ नीचे हम लोग देखेंगे, इधर कुछ है नहीं। उसके फिर इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यहाँ पे है, तो ये दोनों का हमको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या होता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस। उसके फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन 1 और 2, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे एक टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो यहाँ पे पूछ सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, तो द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसी में एक दो पार्ट होता है, एक होता है डिफ्यूजन, एक हो सकता है ऑस्मोसिस। तो हम लोग को वो भी देख लेना है कि जैसे कि यहाँ पे ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, तो ये दोनों का डिफरेंस हम लोग को देख लेना है और डिफिनेशन भी देख लेना हम लोग इसका। उसका फिर है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, उसका फिर है आइसोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पे, उसका फिर है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पे। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है कि क्या होता है इसमें डिफरेंस। जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बाहर जो कंडीशन रहेगा वो लेस रहेगा, अंदर ज़्यादा रहेगा। उसका फिर आइसोटोनिक में बाहर अंदर दोनों सेम रहेगा। उसके बाद फिर जो है हाइपरटोनिक में उसमें बाहर ज़्यादा रहेगा अंदर कम रहेगा कंसंट्रेशन। तो ये हम लोग को तीनों को देख लेना है एक बार। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे ये यहाँ पे दिखा रहा है ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, तो ये दोनों को आप लोग को देख लेना है पक्का, ये तो आएगा ही। ये हो गया मेरा ऑस्मोसिस का कुछ एग्जांपल। यहाँ पे एक है, यहाँ पे पूछ सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी से बना रहता है, तो यहाँ पे लिपिड्स एंड प्रोटीन्स यहाँ पे पूछ सकता है एक नंबर का। तो यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इंडोसाइट्स, यहाँ पे पूछ सकता है कि व्हाट आर इंडोसाइट्स। उसके फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे तीन दो क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका फिर एक टॉपिक है सेल वॉल, तो यहाँ पे हम लोग देख लेना है कि सेल वॉल क्या होता है, बस इतना काफ़ी है। फिर यहाँ पे एक टॉपिक है प्लाज्मोसाइट्स, इसको हम लोग को देख लेना है कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस। उसके बाद फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हम लोग को देख लेना है कि क्या होता है ये। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सम रीजन अपीयर डार्कर देन अदर रीजंस व्हाई, यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे दिया है, इसको देख के याद कर लेना है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है मेरा न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे इसको देखना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है। उसका फिर दिया हुआ है क्रोमोसोम्स, तो ये भी देखना है। यहाँ पे डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डीएनए का फुल फॉर्म साथ में इसका क्या क्या होता है, इसका तीन चार पॉइंट देख लेना है, एग्जाम में आता है। उसका फिर है हम लोग का आगे साइटोप्लाज्म, इससे पहले हम लोग का होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। तो उसको एकदम देख लेना है, डिफरेंस का देख लेना है, डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स में। ये बॉक्स हूबहू आ सकता है एग्जाम में या फिर पूछ सकता है डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया हुआ है उसको फिल करके याद कर लेना है इसको। उसका फिर आता है प्रोकैरियोटिक सेल का ये जो है ना डायग्राम, इसको तो एकदम रट लेना है, ये तो आता ही आता है। उसके फिर आता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा इसके बारे में डिफरेंस में पढ़ना है, बात हो जाएगा खत्म यहाँ पे। उसके फिर इसको कर लेना है, ये तो करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सेल ऑर्गेनिज्म में तो यहाँ पे कुछ है नहीं। उसका फिर यहाँ ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। उसका फिर यहाँ पे है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों लोग को देख लेना है कि क्या ये हेल्प करता है और इसका डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद फिर ये एनिमल सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आता है, इसका डायग्राम से भी पूछ सकता है या फिर ऐसे ही एनिमल सेल और यहाँ पे प्लांट सेल में डिफरेंस भी पूछ सकता है, या फिर कि एनिमल सेल या प्लांट सेल में डायग्रामिकली यहाँ पे बनाने बोल सकता है, तो ये दोनों को एकदम देख लेना है। उसके बाद फिर गॉल्जी एपरेटस है, इसको तो सबसे पहले डिस्कवरी कौन किया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैमिलियो गॉल्जी यहाँ पे इसको डिस्कवर किए थे, और यहाँ पे ये क्या होता है बस इसको ये देख लेना है, बात खत्म। सीधा अगर एक वर्ड में समझे तो ये पैकेजिंग सेंटर होता है। उसका फिर लाइसोसोम्स, यहाँ पे लाइसोसोम्स भी देख लेना है, बस यहाँ पे डायग्राम देख लेना है इसका कि क्या होता है, कि सेल का जितना भी वेस्ट होता है ये सब लाइसोसोम्स में आता है, ठीक है। ये सैक लाइक बैग रहता है, इसमें आता रहता है सब वेस्ट। उसका फिर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी आया ना आए ये जरूर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसका डिफाइन देख लेना है कि माइटोकॉन्ड्रिया द पावर ऑफ द सेल, वाई ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो इसको देख लेना है। उसका फिर ATP इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये भी आता है कि व्हाट इज ATP, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये प्लास्टिड्स का बस डिफाइन देख लेना है इसका। उसका इसमें तीन पार्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों का देख लेना है कि क्या क्या होता है इसमें कलर के हिसाब से। उसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, कैन यू नेम द टू ऑर्गेनिज्म दैट हैव स्टडी कॉन्टेंट देयर जेनेटिक ओन जेनेटिक मटेरियल, तो यहाँ पर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स, और यहाँ पे वही से लिखा हुआ है
प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइजोसोम्स, तो यहाँ पे दोनों में इसमें इस कैंसर ही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। यहाँ पे वैक्यूल लिखा है फूड स्टोरेज होता है, यहाँ पे इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि वैक्यूल जो होता है वो प्लांट सेल में ऑक्यूपाई स्पेस कैप्चर करता है 50-90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, इतना ही स्पेस कैप्चर करता है प्लांट सेल में। उसके फिर यहाँ पे आगे देख लेना है कि ये क्या है, ये इंक्लूड करता है किसी से बना है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंक्लूड एमिनो एसिड सुगर्स वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स, तो यहाँ पे इसको देख लेना है, बाकी हो गया ये तो मैंने बताया अभी आपको, ये और ये तीनों देख लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है बाया राइजोसोम्स नोन है सुसाइड बैग्स, इसको देख लेना है। यहाँ पे राइजोसोम सुसाइड बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर वो पट गया किसी कारण से तो वो पूरा सेल को तबाह कर देता है, मतलब इस पूरा अपने सेल को ही डाइजेस्ट कर जाता है ये ऑटोमेटिक अपने आप। उसके बाद अगर हम लोग सेल डिवीजन पे आए तो यहाँ पे दो सेल है, यहाँ पे पहले माइटोसिस सेल डिवीजन है और यहाँ पे पहले उसका फिर दूसरा है माइटोसिस। तो ये दोनों का कुछ पूछेगा नहीं, बस कहीं डिफरेंस पूछ सकता है कि माइटोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस क्या है, उसके फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल सेल में कंपैरिजन पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और एक प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक तो आएगा ही। उसके बाद फिर व्हाट शुड हैपन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मतलब कुल मिलाकर को यहाँ पे आपको 8 नंबर तक कर लेना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 8 है इंपॉर्टेंट, 7 है और एक हो गया आपका 5, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 पूछता है कि व्हाट व्हिच ऑर्गेनिक इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, व्हाई, ये क्वेश्चन पूछ सकता है 5 नंबर का। और हम लोग और इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में एक और चीज़ है कि यहाँ पे इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वो सेल्स लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये आप लोग को याद रखना होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है, लेकिन यूकैरियोटिक में रहता है, प्रोकैरियोटिक में बस नहीं रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ ना सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे नो नॉट सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा, इज नोन एज प्रोकैरियोटिक। उसके बाद फिर आगे ये आपको पक्का देख लेना है, ये तो पक्का आता ही आता है।